देखिए, ऐसा है कि शासन प्रशासन की रिस्पेक्ट करती है, इसलिए डिस्क्लेमर दे रही है। ये वीडियो सूत्रों द्वारा बताई गई बातों पर आधारित है। इस वीडियो के कुछ पात्र असली और कुछ पात्र विचित्र हैं, इसलिए अपने दिमाग का प्रयोग करके समझें और इसमें किए गए चटपटे शब्दों का मजा लें। वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाए, वरना पाप लग सकता है। यदि किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो क्षमा करें और मजाक को मजाक की तरह लें। इस वीडियो को एंजॉय करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोगों की हाल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ मेरी जान। सो आज आप सोच रहे होंगे मैं अकेले क्यों रिव्यू दे रही हूँ। एक्चुअली मेरे पार्टनर थोड़ा इंगेज है, इसलिए आज मैं अकेले ही आपके लिए अपना कर्म धर्म निभाते हुए यहाँ पे आई हूँ। सो सबसे पहले सारिया नू जी, आया नू जी, हां जी। आज हम लेके आए हैं बॉलीवुड यानी कि पंजाब फिल्म इंडस्ट्री से एक ऐसा ट्रेलर जिसने आते ही मचा दिया है शोर जोर, और जिसको किया है अपने सलमान पाजी ने प्रमोट एंड सपोर्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौजा ही मौजा मूवी की, जो कि आज ही उसका ट्रेलर आया है और आते ही उसने ले लिए हैं 2.6 मिलियन व्यूज। इसमें लीड रोल में देखने को मिल रहे हैं हमें गिप्पी गिरवाल, जो कि है मेरे वन ऑफ फेवरेट, और कॉमेडी टाइमिंग इनकी बहुत जबरदस्त है। बिना देरी करे पहले तो शुरुआत करते हैं इस ट्रेलर की और इस पे देते हैं अपना रिएक्शन, इसका करते हैं पोस्टमार्टम कि एक्चुअली ये कितना दमदार है और जिसको सल्लू पाजी भी सपोर्ट कर रहे हैं यार। ओह माय गॉड, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं और करते हैं मौजा ही मौजा फिल्म के ट्रेलर का पोस्टमार्टम और इस पे देते हैं अपना रिएक्शन कि व्हाट एग्जैक्टली दिस वीडियो, दिस ट्रेलर इज ऑल अबाउट। बेल बजाओ। आई एम यूनी। आई तारा। तेनू तो इस विआह दे फायदे भी होने ने। तू जो भी बोलदी है ना मैनू सुनदा नहीं। जट बोला रे बोला रे बोला रे। कॉमेडी टाइमिंग यार जबरदस्त होती है। ठीक है धीए, जे तेनू ये नमूना पसंद है तो कर ले विआह, पर तू होर कुड़ियां दी तरह ये नहीं कह सकेंगी। ए जी भी है। सुन दे ओ। क्योंकि ए जी तो सुनदे ही नहीं। तानू नहीं लोड़ जी, ना किसे दी भी लोड़ जी। सड़क ते चल की रहा सी। वो तो एक सिंपल एक्सीडेंट सी। जिन्हों दस रहे ना, उन्हों पंजाबी नहीं होंगे। एक्सीडेंट किस जगह ते होया है? बिल्कुल सड़क दे बिच्चो बिच। हेलो ब्रदर्स, मेरा एक फ्रेंड है, वो थोनू तिना नू मिलना चाहता है साडे व्याह दी गल करन लई। मेरे डैड दा नाम सरदार शमशेर सिंह बराड़। मेरे डैड नू हैंडीकैप लोकां तों प्रॉब्लम है। जे मेरे डैड तों थोड़ी आ प्रॉब्लम लुको लिए ता साडा व्याह हो सकदा। आई थिंक नसीब पाजी कुछ करके जे आपां नू दो चार झूठ बोलने भी पै गए इहदे च की गलत है यार। ब्लाइंड डेट्स एंड न्यू कॉमेडी। और कैसे हो जी? बहुत तगड़ा जी मैं। ओ अच्छा जी, इस उम्र जाके थोड़ियां बहुतियां प्रॉब्लम तो हो ही जांदियां जी। तुसी देसी दवाई क्यों नहीं शुरू करदे जी? मेरी एक रील बनाओगे? हाँ हाँ, व्हाई नॉट। यार बिन्नू ढिल्लन यार ये जो बिन्नू ढिल्लन है ना, इनकी टाइमिंग, कॉमेडी टाइमिंग की बात कर रही हूँ, इतनी जबरदस्त है ना, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने इनकी काला शाकाला देखी, ओ यार इतनी वधिया है वो, इतनी परफेक्ट टाइमिंग है। यार मतलब चलो वीडियो बना रहे हो तुसी? मैं एक्चुअली जदों भी बनाऊंगा ना मैं 360 कवर करदा। सिद्धे बंदियां दा जी मजाक नहीं उड़ाईदा। ओ तेरे प्यो ने मेरी तीजा रिश्ता इसलिए छड्या कि ओदी अख फड़क दी है? ए ते पूरा खानदान ही फड़क आया है। ओ कहंदे सिरी रेंज की रख्या है, बस दिल वधिया होने चाहिए। मेरे दिल च मोरी है। तुसी पद मारिया? तेन ते सुनदा नहीं, तेन क्यों पता लगा? मेरे कान खराब ने, नक नहीं। मेरी अखां च अखां पा के तुसी कदे वेख दे क्यों नहीं? संस्कार, ये अखां तां हुण जिहदे नाल विआह होगा ना ओहदी अखां च ही पैणगी। ओह माय गॉड, बदल हो गया यार, मजा आ गया यार। मुंडे दा चाचा है नी, मैं हुण कट के लिया वा। भंगड़ा ता सजदा जे
बच्चे मुंडे ता मुंडे ता चाचा है नहीं कोई ओए वेरी गुड लेट यू ऑफर किथे October, यार इस दिन कितनी सारी मूवीज की क्लैश हो रही है अब तो बड़ा इन सिनेमा ओके सो गाइस ओवरऑल मुझे ये ट्रेलर बड़ा मजा आया मौजा ही मौजा करा दी इस ट्रेलर ने और अगर हम बात करें इसकी स्टार कास्ट की जिसमें की गिप्पी गेरवाल बिन्नू ढिल्लन और करमजीत अनमोल जो की है कैरी ऑन जट्टा टीम के ही कैरेक्टर मतलब बंदे सारे गिप्पी पाजी इसमें मुझे गिप्पी पाजी इसमें रोल कर रहे हैं डीफ का बहरे का बिन्नू पाजी कर रहे हैं इसमें अंधे बंदे का रोल और करमजीत कर रहे हैं इसमें बहरे ट्रेलर में इन्होंने मेंशन कर दिया है डीफ ब्लाइंड एंड म्यूट कॉमेडी ये बहुत मतलब ये सोच अलग है ये बॉलीवुड की मतलब जो जितनी भी मूवीज है ना एक तो मुझे पॉजिटिव चीज क्या लगती है कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखाते हैं पिक्चराइज नहीं करते हैं जो कि बच्चे नहीं देख सकते और दूसरी खास बात मुझे बॉलीवुड की ये लगती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको उसमें कॉमेडी जरूर देखने को मिलेगी और आजकल वैसे भी हंसी कमी आती है लोगों को अपने इतने परेशान है तो अगर आप परेशान है तो यार पंजाबी मूवीज उठा के देखो सीरियस भी है कॉमेडी तो बहुत ज्यादा है इसमें बॉलीवुड बनाते हैं और इतनी बेहतरीन बनाते हैं यार और काफी कॉमेडी 2 मिनट्स और 59 सेकंड का ये जो ट्रेलर था ना इसने कंटिन्यू मुझे हंसाया है एक जगह इन्होंने मेंशन भी किया है रोलर कोस्टर ऑफ लाफ्टर सीरियसली दिस इज जस्टिफाई स्टेटमेंट टोटली और इस मूवी को अब समझ में आ रहा है कि सल्लू पाजी ने क्यों सलमान भाई ने इसको प्रमोट किया है और सपोर्ट किया है भाई बनता है क्योंकि ये मूवी एक ऐसी मूवी है लग रही है मुझे जो कि वर्ल्ड वाइड में पैन इंडिया रिलीज हो रही है ये आपके नियरेस्ट थिएटर में मिलेगी और अगर आप नॉर्थ से हैं साउथ से हैं और अब टाइटल तो इसमें दिए ही हुए हैं और अगर किसी और की अगर पैन इंडिया में रिलीज हो रही है तो थोड़ी और भाषाओं में रिलीज करेंगे तो सारे लोग देख पाएंगे क्योंकि ये कॉमेडी का मास्टरपीस है आई वुड से सो मुझे लगता है मैं इसको रेट करूं अगर तो 10 में से मैं रेट करूंगी इसको 10/10 यार क्योंकि कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है और अगर बात करें इसमें म्यूजिक की तो इसमें हैप्पी राय कोटे के लिरिक्स है जो कि बेहतरीन सिंगर हैं बेहतरीन लिरिक्स लिखते हैं रिलेटेबल लिरिक्स लिखते हैं तो उनका म्यूजिक मतलब उनके गाने देखने को मिलेंगे आपके सुनने को मिलेंगे बट ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं चाहूंगी कि ये और भाषाओं में रिलीज हो ये तो सो दैट एवरीवन कैन वॉच दिस कैन अंडरस्टैंड दिस और क्योंकि ये एक ऐसा मास्टरपीस है कॉमेडी का जिसे हर किसी के पास तक पहुंचना चाहिए तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है हाँ अब बात करते हैं इसकी रिलीज डेट की गाइस अब बात करते हैं इसके रिलीजिंग डेट की जो कि हो रही है 28 अक्टूबर 2023 अब पते क्या चीज है भाई इस दिन बहुत सारी मूवीज रिलीज हो रही है और ये मूवी आपको फुल ऑन हंसाने वाली है फुल ऑन आपको मजे दिलाने वाली है रुलाने वाली है क्योंकि हंसते हंसते आपको पक्का रोना आ जाएगा इतना ज्यादा इसमें लाफ्टर होगा और आप मुझे लगता है थिएटर से घर पे आके भी इतना हंसोगे इस मूवी को याद करके क्योंकि जैसे कि मुझे लगता है कैरी ऑन जट्टा ने हंसाया था ना वैसे उससे ज्यादा ये मूवी हंसाने वाली है हाँ जी सो अब देखने वाली बात ये होगी कि ऑडियंस कौन सी मूवी प्रेफर करेगी आप कौन सी मूवी देखना चाहोगे सबसे पहले जरूर कमेंट करके बताना आपको पता है कौन कौन सी मूवी रिलीज हो रही है 3 बेहतरीन मूवीज और आ रही हैं लेकिन ये मूवी अलग है ये मूवी है कॉमेडी से भरपूर 3 मूवियां हैं एक्शन से भरपूर सो आपको किस टाइप की मूवी ज्यादा पसंद है आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ एक्शन या फिर कॉमेडी सो जरूर कमेंट करके बताना और आई होप आपको ये ट्रेलर वाला रिएक्शन पसंद आया हो अगर पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज बी अ पार्ट ऑफ आवर ब्यूटीफुल लिटिल YouTube family and hasta la vista duaon mein yaad rakhiyega apna khyal rakhiyega so tusi apna khyal rakho rab rakha